नमस्कार दोस्तों, बड़ा झोल है रे बाबा। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि यूनियन में ओपीएस मुद्दे को लेकर दो फाड़ हो चुकी है और दो फाड़ इतना भयानक है कि सरकारी कर्मचारी किसको वोट दे ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और कंफ्यूज हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों यूनियन अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना जबरदस्त तरीके से भीषण आग पकड़ लिया है कि एक दूसरे को आग के हवाले करने को बेताब है। जी हां दोस्तों, यानी कि इंप्लॉय यूनियन मजदूर यूनियन को दोष दे रहा है, मजदूर यूनियन इंप्लॉय यूनियन को दोष दे रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बता दें उनके एजेंडे में ओपीएस शामिल है और कुछ के एजेंडे में यूपीएस शामिल है। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा कि जब से यूपीएस का नोटिफिकेशन आया है, जब से पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। जी हाँ दोस्तों, मजदूर यूनियन का कहना है कि हम अभी यूपीएस लेकर आए हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए हैं, जो इसमें 10% सरकारी कर्मचारी का कट रहा है उसे हम सरकार से वापस लड़कर ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी थीम के साथ ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। इसके अलावा मजदूर यूनियन का कहना है कि हमने देश में बलिदान दिए हैं, 1974 के जब रेल हड़ताल हुआ था उसमें हमारे कई जो है बलिदान दिए हैं, उनका बेदी उनका प्रमाण पत्र है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा बोल रहे हैं कि दूसरा यूनियन क्या किया है वो हमें बताए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे दूसरा यूनियन जो अभी NFIR है, दोनों में कड़ी टक्कर है, इतना कड़ी टक्कर है कि अभी जो मुकाबला चल रहा है वो 50-50% का चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो जितना मेहनत करेगा वो उसको उतना ज़्यादा वोट मिलेगा। और आप देखे होंगे न्यू बोगाईगांव बॉक्सअप में जबरदस्त बोर्ड पोस्टर और बैनरिंग का काम हो चुका है और ऐसा लगता है कि पोस्टर बैनर के बदौलत ही ये लोग चुनाव जीतेंगे। मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। एक्चुअली चुनाव जो लड़ा जाता है दोस्तों, मुद्दे पर लड़ा जाता है कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया, वोट हमें इस काम के दम पर दें। नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारी आपको पता है बुद्धिजीवी वर्ग से होते हैं, जो आम समाज से लगभग 1-2% ही सरकारी नौकरी कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ बुद्धिजीवी तो हैं, लेकिन इनकी बुद्धिजीवी थोड़ा थोड़ा भ्रष्ट होते जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्ट होने का कारण है अपना लोभ। आपको बता दें कि दो फाड़ होने का कारण है ओपीएस का मुद्दा, और ओपीएस का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि दोनों यूनियन ओपीएस के ट्रैक पर आ गए हैं। एक यूनियन का कहना है कि ओपीएस का सारे बेनिफिट्स, मजदूर यूनियन कहती है कि हमने यूपीएस पर साइन किया, हमने यूपीएस लेकर आया और यूपीएस में जो 10% आपका कटता है वो हम लड़के वापस ले लेंगे, यानी ओपीएस का सारा बेनिफिट्स हम यूपीएस में दिला देंगे, ये कह रहे हैं। जबकि जो इम्प्लॉय यूनियन है उनका कहना है कि नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली ओपीएस की बात होगी और ओपीएस का सारा बेनिफिट्स हमको मिलेगा, तभी जाके कुछ आगे मामला बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी हमें ओपीएस चाहिए। तो दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर है और इसी लड़ाई के बीच में मजदूर यूनियन इंप्लॉय यूनियन के ऊपर इल्जाम लगाती है कि जब आप प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ सट के फोटो खिंचा रहे थे, जब उनको शॉल ओढ़ा रहे थे, उस समय आपने साइन किया 24 अगस्त 2024 को, तब उस समय आप यूपीएस की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और आज आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये कैसी राजनीति आप खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि इम्प्लॉय यूनियन का कहना है कि हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं और हम दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, हम काम के दम पर वोट मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही हो रहा है, आप देख रहे होंगे लगातार वीडियो, दोनों का वीडियो चल रहा है मेरे चैनल पर और दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। और इम्प्लॉय यूनियन का डायरेक्ट कहना है कि हम किसी राजनीति पार्टी से जो है, बताया जा रहा है कि मजदूर यूनियन अभी कुछ दिन पहले ही आरोप लगाई थी इम्प्लॉय यूनियन पर कि जो इम्प्लॉय यूनियन है किसी राजनीति पार्टी से प्रेरित है और इसीलिए हूबहू पुरानी पेंशन की मांग करती है। इसके अलावा आपको बता दे जो इम्प्लॉय यूनियन है उनके तरफ से ये कहा गया कि आपके नेता तो लखनऊ में बड़े बड़े नेता के साथ मंच शेयर करते हैं, तो वो कहाँ कम पीछे, वो भी तो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त जो है विरोध कर रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव का तारीख यानी 4-5-6 दिसंबर नजदीक आता जा रहा है, जो बातों की बान है वो बर्मास छोड़ रहे हैं, वो नारायणास छोड़ रहे हैं, वो शिवास्त्र छोड़ रहे हैं, लगातार
आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ हाथापाई बची हुई है, बाकी सारे चीजें एक दूसरे पर उड़ेल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो हम यही कहते हैं कि आप अपना अपना चुनाव लड़े, हाथापाई ना करें और अपने मुद्दों को लिए लड़ाई लड़े। जी हाँ दोस्तों, मुद्दे आपके सामने बहुत सारे हैं, रेल में बहुत सारे काम होने बाकी है, उसके लिए आप लड़ाई लड़े और आप ओपीएस के लिए लड़ाई लड़े, आप यूपीएस के लिए लड़े, अपने अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़े। और आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलती है और सेम कहानी यहाँ पर भी दोहराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप जब लोकसभा का चुनाव होता है या फिर विधानसभा का चुनाव होता, वहाँ भी नेता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी ट्रेड यूनियंस का चुनाव में दोहराया जा रहा है और एक ही मुद्दा सबके साथ घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन सिस्टम के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और भागना भी चाहिए क्योंकि वो बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, वो एक वित्तीय सहारा है, जो कि जो काम आप करते हैं जिंदगी भर, जीवन भर आप जो काम करते हैं उसका प्रतिफल सरकार आपको देती है और उसी के चलते सारे यूनियन उसी ट्रैक पर लगभग दौड़ रहे हैं। मजदूर यूनियन के भी जो शिव गोपाल मिश्रा हैं, उनका कहना है कि जो भी बेनिफिट से ओपीएस में मिलता था हम यूपीएस में सारा दिलवा देंगे। और वही एनएफआईआर का जो नेता है एम रघुबैया, एनएफआईआर जो इंप्लॉय यूनियन का जो नेता है डॉक्टर एम रघुबैया, उनका कहना है कि हूबहू पुरानी पेंशन लगभग हम दिलवाने जा रहे हैं, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना यूपीएस ना एनपीएस, ओनली ओपीएस। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लड़ाई चल रही है और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बेनिफिट्स की बात है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो वादा करेंगे आगे भविष्य में उसको निभाएंगे ऐसा लगता है, और इसीलिए वोटिंग किसको करे ये कन्फ्यूजन का समय हो गया है और इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कि कहना नहीं। जी हाँ दोस्तों, किन कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं सरकारी कर्मचारी कि किसको वोट करें। फिलहाल अभी जो लड़ाई यहाँ दिख रही है वो 60-40 की दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, 60% इम्प्लॉय यूनियन के तरफ पल रहा भारी नजर आ रहा है, जबकि 40% मजदूर यूनियन के तरफ पल रहा भारी नजर आ रहा है। उसका कारण है ओपीएस का मांग। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है और जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसका बेनिफिट्स इंप्लॉय यूनियन को डायरेक्ट मिलता नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं क्योंकि जैसे राजनीतिक पार्टियां लगाते हैं उसी तरह से यहां पर भी दोनों यूनियन में दो फाड़ हो चुके हैं ओपीएस मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे चीजें हैं जो इल्जाम लगाया जा रहा है। मजदूर यूनियन डायरेक्ट बोलती है इंप्लॉय यूनियन के 2003 में बीजेपी सरकार ने एनपीएस लागू किया था, 2013 में पीएफआरडीए बिल लागू हुआ आपका यूपीए सरकार में, तो उस समय आप सत्ता में, तो उस समय क्यों नहीं एनपीएस को रोके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। रेल में बहुत सारे काम मजदूर यूनियन ने किए हैं क्योंकि 100 वर्ष हो गया मजदूर यूनियन का, आपको पता होगा 1924 से लेके 2024 चल रहा है, अब तो 24 भी खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो मजदूर यूनियन ने बहुत दिन से है, बहुत पुराना है, उनका भी बहुत सारा काम है और उन्होंने रेल के लिए बहुत सारा काम किए हैं। और एनएफआईआर के जो इंप्लॉय यूनियन है उन्होंने भी रेल के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों के अच्छे अच्छे काम हैं, लेकिन यहाँ चुनाव की वक्त, क्योंकि ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन का चुनाव है यानी मान्यता का चुनाव है, और मान्यता का चुनाव 2007 में हुआ, 2013 में हुआ, अब 2024 में हो रहा है, तो लड़ाई जबरदस्त है और इतनी भयंकर लड़ाई है कि कंफ्यूजन तो सरकारी कर्मचारी को हो चुका है और माइंड वॉश किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, सरकारी कर्मचारी भी कम चलाक नहीं है, वो वोट तो देंगे, किसी न किसी को तो वोट देंगे, अपने मुद्दे के लिए वोट देंगे। हम तो यही अपील करते हैं कि अपना जो प्रमुख मुद्दा है उसके लिए वोट करें। हम पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाते हैं, हम सच्चाई की राह पर चलने की बात बोलते हैं, बाकी यूनियन अपना काम करे। दोनों यूनियन का अपना अपना तर्क है, वितर्क है, और जब दोनों यूनियन के लॉजिक में आप घुसेंगे तो दोनों यूनियन का लॉजिक थोड़ा थोड़ा सच नजर आता नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, और लॉजिक का ही गेम है। जी हाँ दोस्तों, लॉजिक जिसका जितना परफेक्ट होगा उसका प्रचंड बहुमत के साथ उतना जीत होगा। अभी देखे होंगे चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत लाई है, लॉजिक बढ़िया लेकर चली। वहीं आप देख लीजिए झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, झांसी की रानी कल्पना सोरेन के मुद्दे और लॉजिक जबरदस्त तरीके से
लेकर चली और प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड में जेएमएम का सरकार बनाने जा रहे हेमंत सोरेन, और कल ही शायद उनका शपथ ग्रहण हो चुका है मुख्यमंत्री पद का, कंग्रेचुलेशन। महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री बहुत जल्द बनने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये देश भर में ये चीज़ें चल रही है। और पेंशन से रिलेटेड हम यही बोलेंगे कि एक यूनियन ओपीएस की बात कर रहा है, एक यूनियन एक पे कमीशन की बात कर रहा है। अब समझना आपको है, वोट आपको देना है, आप किसके साथ जाएं, क्योंकि कन्फ्यूजन तो है रे बाबा, बड़ा झाला है, बड़ा लोचा है। दिमाग अपने ऊपर ठीक करके, आने वाले पीढ़ियों के ऊपर सोच करके, और अपने जीवन के लिए वोट करें। जय हिंद।